श्रीमद् भगवद गीता महापुराण अध्याय 15। भगवान श्री कृष्ण बोले, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, जिसकी पुराण पुरुष शाखाएं की जड़ें ऊपर हैं और चराचर शाखाएं नीचे हैं। वेद इनके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही ये वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व रज तमोगुणी इसकी 10 वाहिनी नसें हैं, इससे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इनकी डालियां हैं, पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इनकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का ये रूप इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल वैरागी रूपी दृढ़ शस्त्र को काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई हो उसी आदि पुरुष की मैं शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करते वह मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित 5 इंद्रियों और 6 मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदियों की गंध को दूर स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्थायी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान आंख चर्म जीभ नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते तथा एक ही देह में रहते समय तथा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगीजन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है जगत को प्रकाशित करता है उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों की देह में प्रविष्ट हूँ। प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भक्तों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान की प्राप्ति संशय का नाश होता है। सब वेदों को जानने योग्य ज्ञान मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता वेद का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में शर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितनी नाशवंत प्राणी है वे शर कहलाते हैं, उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति चैतन्य अक्षर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सबका नियंता तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं शर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ, इसी कारण से लोक उस वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे पार्थ, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं वे सब कुछ जानते हैं। हे भारत, शास्त्रों के गुहे वेद जो मैंने कहा उसको जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत करते हो जाते हैं। श्री भगवद गीता महापुराण 15वां अध्याय संपूर्ण।